नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ दिव्या राय। इस बुलेटिन में आज बात होगी व्यापारियों पर सीलिंग के सितम की, संसद में विपक्ष के हंगामे की, जानेंगे नरेश अग्रवाल के सपा छोड़ने के बाद क्या कहा मुलायम सिंह यादव ने, और आखिर में बात अमिताभ बच्चन की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में 9 जवान शहीद, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का केंद्र पर वार, कमजोर पॉलिसी का नतीजा। सीलिंग पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की बैठक में पहुंचे कांग्रेस नेता अजय माकन, बीजेपी ने मीटिंग में नहीं लिया हिस्सा, आपने बीजेपी पर लगाया सीलिंग पर राजनीति करने का आरोप। आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा आधार को जरूरी करने का दबाव सरकार नहीं डाल सकती जनता पर, अगला फैसला आने तक आधार लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई। जोधपुर में फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग कर रहे अमिताभ बच्चन की बिगड़ी तबीयत, इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम मुंबई से पहुंची जोधपुर, अमिताभ की बीमारी पर बोली जया, दर्द से हैं परेशान, कॉस्ट्यूम बहुत भारी है। नेपाल में राष्ट्रपति चुनाव का आया नतीजा, विद्या देवी भंडारी दोबारा चुनी गई नेपाल की राष्ट्रपति। और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 61 अंक गिरकर 33,856 पर, निफ्टी 10,500 के नीचे बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सीलिंग का सितम झेल रहे दिल्ली के व्यापारी लगातार आवाज उठा रहे हैं। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए करीब 7 लाख कारोबारी आज महाबंद का ऐलान कर सड़क पर उतरने को मजबूर रहे, लेकिन सरकार और राजनीतिक दल इस मुद्दे का समाधान निकालने की बजाय राजनीति करने में लगे हैं। दिल्ली सरकार ने सीलिंग को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें बीजेपी नहीं पहुंची, इसे लेकर अब आप और कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। बताया जा रहा है कि सीलिंग के समाधान के लिए दिल्ली की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी ने सभी दलों की बैठक बुलाई थी जिसमें कांग्रेस तो शामिल हो गई, लेकिन बीजेपी पिछली बैठक में हुई बदसलूकी का हवाला देते हुए बैठक से दूर रही। बीजेपी के इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी एमसीडी में है और वह सीलिंग रोकने के लिए अहम कदम उठा सकती है, लेकिन बीजेपी दिल्ली के कारोबारियों का दुख कम करने के बजाय चर्चा से भाग रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसे सीलिंग पर रोक के लिए अध्यादेश लाना चाहिए, हम भी सीलिंग पर रोक के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं बैठक में शामिल हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि सभी दलों का प्रतिनिधि मंडल सीलिंग पर निगरानी समिति से मुलाकात कर अपनी बात रखेगा ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने सही पक्ष रख सके। आपको बता दें कि दिल्ली के दुकानदार आज एमसीडी के सीलिंग अभियान के विरोध में काम धंधा छोड़कर सड़क पर उतरे हैं। वहीं उन्होंने 28 मार्च को रामलीला मैदान चलो अभियान का ऐलान भी किया है। दिव्य लाइफ की रिपोर्ट। व्यापारियों के समस्या के समाधान के लिए बुलाई गई बैठक में बीजेपी नहीं पहुंची तो आप और कांग्रेस ने उसे घेरना शुरू कर दिया। उधर संसद में भी विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर है, जहां सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने बैंक घोटाले और किसानों के मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे आज 7वें दिन भी दोनों सदनों में कामकाज नहीं हो सका। वहीं अब सदन न चलने को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि संसद के निचले सदन लोकसभा में जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल हंगामा करने लगे, जिसके चलते कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद जैसे ही सदन शुरू हुआ तो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य बैंक घोटाले को लेकर नारेबाजी करते हुए लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास आ गए। इस दौरान सरकार के मंत्री अनंत कुमार और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जोरदार बहस भी हुई। कांग्रेस पर निशाना साधने के बहाने अनंत कुमार ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि वे लोकतंत्र पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं मगर संसद में इस पर अमल नहीं करते, कांग्रेस के जीन्स में लोकतंत्र नहीं है। वहीं इसके जवाब में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार साजिश के तहत संसद में लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा कराने से भाग रही है और विपक्ष को मौका दिए बिना ही संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद की कार्यवाही जानबूझकर नहीं चलने दे रही ताकि महाघोटाले पर चर्चा न हो सके। वहीं राज्यसभा में भी टीडीपी और कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया जिसके चलते सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी। दिव्य लाइव की रिपोर्ट। विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति में जुट गया है। 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता को मजबूत करने की पहल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की है। सोनिया गांधी ने आज सभी विपक्षी दलों को डिनर पर बुलाया है।
लोकसभा चुनाव में अब एक साल का ही वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से देश में बीजेपी के बढ़ते कद को रोकने की रणनीति बना रहे हैं। इस बीच सियासी दलों को एक मंच पर लाने के लिए कांग्रेस ने पहल की है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज सभी दलों को डिनर पर बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 17 दलों के नेता शामिल होंगे। खबर है कि इस बैठक में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और शरद पवार खुद शामिल न होकर अपनी पार्टी के नुमाइंदों को भेज सकते हैं। बताया जा रहा है कि सोनिया ने यह कदम सरकार पर हमला बोलने, विपक्ष की एकजुटता और अगले लोकसभा चुनाव के लिए संयुक्त तो मोर्चे की नींव रखने के लिए उठाया है। सोनिया गांधी की ये पहल ऐसे समय में हो रही है जब सत्ताधारी एनडीए के कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में आंध्र की अनदेखी को लेकर तेलुगु देशम पार्टी के मंत्रियों ने केंद्र सरकार से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में कांग्रेस इन दलों को अपने साथ लाने की तिकड़म बैठा रही है। वैसे सोनिया गांधी ने डिनर देकर एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश भी की है। सोनिया ने पार्टियों को न्योता देकर ये बता दिया है कि महागठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस ही करेगी और दूसरा यह भी कि कांग्रेस देश में उठ रही तीसरे मोर्चे की मांग को तवज्जो नहीं देती। मोदी के विजय रथ पर ब्रेक लगाने के लिए कांग्रेस तो लगातार प्रयास कर ही रही है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उसे 2019 में इसका कितना फायदा मिलेगा। कांग्रेस जहां एक और विपक्षी एकता को मजबूत कर 2019 में बीजेपी से मुकाबला करने का प्लान तैयार कर रही है, वहीं नरेश अग्रवाल के बीजेपी में शामिल होने के एक दिन बाद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी नरेश अग्रवाल को आंख दिखाई है और कहा है कि वो पार्टी लाइन में रहकर बयान दे। आपको बता दें कि नरेश अग्रवाल ने जया बच्चन पर विवादित बयान दिया था। नरेश अग्रवाल ने सोमवार को अपने विधायक बेटे नितिन अग्रवाल और समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया था। माना जा रहा था कि 2019 के आम चुनाव से पहले अग्रवाल का सपा को छोड़ना पार्टी के लिए तगड़ा झटका है, लेकिन लगता है कि मुलायम सिंह यादव को उनके जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी तो जब उनसे नरेश अग्रवाल के बीजेपी में शामिल होने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि उनके सपा छोड़ने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी अग्रवाल को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है तो वहीं बीजेपी ने भी उन्हें पार्टी लाइन में रहने की नसीहत दी है। दरअसल सोमवार को बीजेपी में शामिल होते ही उन्होंने बयान दिया था कि डांस करने वालों की वजह से सपा में मेरा राज्यसभा का टिकट काटा गया। उनके इस बयान के बाद से ही बवाल मच गया। खुद बीजेपी के नेता और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से लेकर स्मृति ईरानी, रूपा गांगुली समेत कई महिला सांसदों ने बयान की निंदा की थी, जिसके बाद अब बीजेपी ने भी उन्हें आंख दिखाते हुए कहा है कि संभल कर बयान दें। दिव्य लाइव की रिपोर्ट। विरोधी दलों के अलावा बीजेपी को अन्ना हजारे की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। जन लोकपाल और किसानों की समस्याओं को लेकर समाज सेवी अन्ना हजारे 23 मार्च से दिल्ली में आंदोलन करने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर चिट्ठी लिखी है, जिसमें अन्ना ने आंदोलन के लिए पीएम से जगह मांगी है। अन्ना ने कहा है कि सरकार की कारगुजारियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे और सरकार को झुकने पर मजबूर कर देंगे। समाज सेवी अन्ना हजारे ने बताया कि उन्होंने पिछले साल नवंबर में भी आयोजन स्थल की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली पुलिस और नगर निगम अधिकारियों को पत्र लिखे थे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अन्ना ने बताया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक 43 पत्र लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक लागू करने और किसानों की समस्या हल करने की मांग की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा देकर सत्ता में आई मोदी सरकार अब बदल चुकी है। अन्ना के मुताबिक पीएम मोदी ने अब तक उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। केंद्र सरकार के इसी रवैये से नाराज होकर अब अन्ना ने 23 मार्च से आंदोलन करने का ऐलान किया है। अन्ना ने कहा कि जब तक सरकार मजबूत लोकपाल बिल नहीं लाती तब तक वो अपनी आवाज उठाते रहेंगे। दिव्य लाइव की रिपोर्ट। खबरों में बात अब आधार से जुड़ी अनिवार्यता पर। मोबाइल नंबर और बैंक खातों से आधार को लिंक कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आम जनता को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आधार को सेवाओं से लिंक कराने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में फैसला आने तक बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन और पासपोर्ट की अनिवार्य आधार लिंकिंग की समय सीमा को बढ़ाया जा रहा है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने साफ कर दिया कि सब्सिडी को छोड़कर बाकी सेवाओं के लिए भी सरकार आधार नंबर पेश करने पर बल नहीं दे सकती और इस मामले में उसका पुराना निर्णय प्रभावी रहेगा।
आपको बता दें कि सरकार ने ज्यादातर सरकारी सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। पैन कार्ड और बैंक अकाउंट के साथ ही मोबाइल नंबर, शेयर स्टॉक्स, क्रेडिट कार्ड, LPG कनेक्शन, इंश्योरेंस और सरकार विकास पत्र, म्यूचुअल फंड जैसी सभी स्कीम और सुविधाओं को आधार नंबर से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च बताई गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई वकील वृंदा ग्रोवर की ओर से दाखिल याचिका पर की है, जो उन्होंने पासपोर्ट के लिए आधार की अनिवार्यता को लेकर दायर की थी। दिव्य लाइफ की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की, देश में उस वक्त खलबली मच गई जब बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की तबीयत खराब होने की खबर आग की तरह चारों ओर फैल गई। उन्होंने अपने ब्लॉग में तबीयत बिगड़ने की बात कही थी, लेकिन अब बिग बी की सेहत में पहले से सुधार है। बताया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन देर रात तक शूटिंग कर रहे थे, इस दौरान अचानक पेट में दर्द होने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद वो शूटिंग खत्म कर अपने होटल लौट गए। अपने कमरे में जाने के बाद उन्होंने ब्लॉग पर तबीयत खराब होने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि सुबह के 5 बजे एक नई सुबह की शुरुआत, कुछ लोग जीने के लिए काम करते हैं और मेहनत करते हैं, यह कठोर है, बिना मुश्किलों के कुछ हासिल नहीं होता, काफी संघर्ष, निराशा और दर्द होगा, तभी हम सभी की उम्मीदें पूरी होंगी। उन्होंने आगे लिखा कि तबीयत खराब लग रही है, इसलिए इलाज के लिए मुंबई लौटूंगा, अपने डॉक्टरों की टीम को अपने शरीर की जांच के लिए बुलाऊंगा और वो मुझे फिर से सेट कर देंगे। मैं आराम करूंगा और आगे क्या हुआ इसके लिए आपको सूचित करता रहूंगा। बिग बी के इस ब्लॉग के बाद से ही हड़कंप मच गया। विशेष विमान से डॉक्टरों की टीम मुंबई से जोधपुर पहुंची, जहां चेकअप के बाद अब कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन पहले से ठीक हैं और वो जोधपुर में रहकर फिल्म की शूटिंग करेंगे। वैसे आपको बता दें कि फरवरी में भी अमिताभ बच्चन की सेहत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था, हालांकि बाद में इसे रेगुलर चेकअप बताया गया। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए लॉग इन करें dblive.tv। नमस्कार।